दरभंगा सरकारी कर्मचारी के दर्जा व मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका शुक्रवार से केंद्रों पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। सेविका सहायिका के हड़ताल पर चले जाने के कारण से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन पूरी तरह से बाधित हो गया है। बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के बैनर तले संघ की प्रखंड सचिव विनीत चौबे के नेतृत्व में सेविका एवं सहायिकाओं ने राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध प्रतिवाद मार्च निकालकर आक्रोश व्यक्त किया। वहीं विनीता चौबे ने मौजूदा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा चुनाव के समय बार बार यह कहना कि उनकी सरकार आने पर बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं का मानदेय दुगना किया जाएगा, लेकिन सरकार बन जाने के बाद आज तक इस पर अमल नहीं किया गया है। वही उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को पंचायत स्तर पर हड़ताल के समर्थन में सेविका व सहायिका केंद्रों पर तालाबंदी कर प्रदर्शन करेगी। वही प्रखंड सचिव आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के प्रखंड सचिव विनीता चौबे ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने लंबित मांगों के समर्थन में सरकार से इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आर्थिक शोषण एवं दोहन कर रही है। इस महंगाई में मानदेय के रूप में बहुत ही कम रुपये मिलता है, उससे घर परिवार का खर्च चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। अगर सरकार हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो आगामी चुनाव में इसका परिणाम राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। लोगों का तो मांग बहुत है, लेकिन कम से कम 26,000 सेविका का मानदेय और 13,000 सहायिका का मानदेय होना। तो आपके हड़ताल में सहायिका भी शामिल है? हाँ, सेविका सहायिका दोनों साथ हैं हम लोग। तो अभी जो प्रखंड क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ सब ताला बंद है? सब, एक भी खुला है कि नहीं? एक नहीं खुला, एक कोटो नहीं खुला है, पूरा सिंहवाड़ा प्रखंड मेरा बंद है। सबका समर्थन है? सबका समर्थन है। कोई आया था प्रतिनिधि मंडल बात करने के लिए विभाग से आप लोगों से? हाँ हाँ, आई थी ना, मैडम से बात हुई है, बड़ा बाबू से बात हुआ है, हम लोग रिसीविंग लिए हैं, मांग पत्र सौंपे। मांग पत्र सौंपे।